नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं गुरु पुष्य योग के बारे में, जो कि 25 नवंबर 2021 को है। गुरुवार को आने वाले पुष्य नक्षत्र को ही गुरु पुष्य नक्षत्र कहा जाता है। ये नक्षत्र बहुत ही शुभ माना जाता है। विवाह को छोड़कर इस दिन कोई भी कार्य आप कर सकते हैं, और चीज़ों की खरीदारी करनी, विशेषकर सोने चांदी की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अगर आप कुछ खरीदना चाहें, कोई नया काम, शुभ कार्य करना चाहें, विवाह को छोड़कर आप कोई भी कार्य इस दिन कर सकते हैं, वो आपको अवश्य ही फलित होगा और उस कार्य में आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो अब जानते हैं इस दिन गुरु पुष्य नक्षत्र योग के दिन, यानी कि 25 नवंबर के दिन सुबह 6:54 से शाम 6:48 बजे तक शुभ मुहूर्त रहेगा। तो इसमें आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, या फिर कोई भी चीज़ की खरीदारी करनी हो आप वो कर सकते हैं। तो अब इसमें जानते हैं हम माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का इस दिन बहुत ही महत्वपूर्ण योग होता है। तो आप माता लक्ष्मी को इस दिन प्रसन्न करके अपनी दरिद्रता मिटा सकते हैं और आप मालामाल बन सकते हैं। तो कुछ ऐसे खास उपाय आपको बताने जा रही हूँ जो आप इस दिन करेंगी तो माता लक्ष्मी आप पर बहुत ही प्रसन्न होंगी और आपके घर को धन धान्य से भर देंगी। तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, आर्थिक संकटों को दूर करने के लिए, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए गुरु पुष्य नक्षत्र एक श्रेष्ठ दिन है। मान्यता है धन संबंधी किए गए पुष्य नक्षत्र के उपाय शीघ्र ही फलीभूत होते हैं। तो अगर आप माता लक्ष्मी को इस दिन प्रसन्न जरूर करें तो सबसे पहला उपाय वो है कि किसी भी सुहागन स्त्री को आप सुहाग का सामान दान में दें। इससे माता लक्ष्मी अवश्य ही प्रसन्न होती हैं और आप पर अपनी कृपा बनाती हैं। अगर आप किसी सफाई कर्मचारी को कुछ पैसे दान दें या कुछ खाने पीने की चीज़ उनको दान दें तो इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होगी। अब दूसरा उपाय है कि आप बृहस्पतिवार के दिन विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी का पूजा पाठ, उनका पूजन अवश्य ही करें। इस दिन खाने में आप खीर जरूर बनाएं या हलवा बनाएं और इससे भोग लगाएं, तो इससे माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। इस दिन किए गए उपायों से धन वैभव में वृद्धि होती है, कार्य क्षमता बढ़ती है और जातक के प्रभाव में वृद्धि होती है। गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन घर के मंदिर में भगवान शिव को छोड़कर सभी देवी देवताओं को हल्दी से तिलक करें। फिर बाहर जाते समय जो तिलक आपने देवी देवताओं के किया था, उसी हल्दी से खुद की माथे पर भी तिलक लगाएं। इससे आपके काम सारे बनते जाएंगे। अब गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन किसी भी मंदिर में शिवलिंग पर भीगी चने की दाल अपने मनोकामना को कहते हुए चढ़ा दें। इससे भगवान भोले की कृपा पर बरस सकती है और आपका दाम्पत्य जीवन भी सुखी होता है, शुभ समाचार भी प्राप्ति होती है। इस तरह से आप 11 गुरुवार तक भगवान विष्णु को हल्दी से तिलक करके भीगी चने की दाल चढ़ाएं। इससे आपके आर्थिक संकट दूर होते हैं और आकस्मिक धन प्राप्ति के लाभ भी आपको मिलते हैं। गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन आप पारद लक्ष्मी का अपने घर में स्थापना कर सकते हैं, ये बहुत ही शुभ होता है। तो इस दिन पारद से बनी माता लक्ष्मी की प्रतिमा खरीद कर लाएं और उसे विधि विधान से अपने घर में स्थापित करें, तो आपके घर में तिजोरी जो होती है वो हमेशा धन से भरी रहेगी। आप माता लक्ष्मी के श्रेष्ठ स्तुति का पाठ, कनक धारा स्त्रोत का पाठ भी अवश्य करें, माता लक्ष्मी आप पर बहुत प्रसन्न होगी। एक और आजमाया हुआ उपाय है कि आप इस दिन नक्षत्र के दिन एक बरगद के पत्ते को तोड़कर लाएं, उसे अच्छे से पानी से साफ कर लें, उसके बाद हल्दी से स्वास्तिक बनाकर उसे अपने घर में रखें या अपने पर्स में रखें, यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे घर में धन की बरकत होगी और आपके सभी काम भी बने होंगे। आप पुष्य नक्षत्र के दिन दक्षिणावर्त में केसर मिला दूध भरकर भगवान विष्णु को अभिषेक करें, इसे धन लाभ मिलता है। माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा करने से माँ की कृपा पर बनी रहती है। श्री सूक्त का पाठ अवश्य करें। जो लोग इस दिन श्री सूक्त एवं महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ करते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर पीढ़ियों तक बनी रहती है। गुरु पुष्य नक्षत्र वाले दिन घर में संध्या के समय माँ लक्ष्मी के सामने दीपक में लाल कलावे की बत्ती डालकर घी का दीपक जलाएं। इससे घर में लक्ष्मी का नियमित रूप से आगमन होने लगता है। इसके बाद नियम पूर्वक माँ के सामने रुई की जगह कलावे की बत्ती डालकर ही घी का दीपक जलाएं। पुष्य नक्षत्र वाले दिन गाय को घी से चुपड़ी रोटी देकर उस पर गुड़ रखकर खिलाने से धन लाभ होता है, सुख समृद्धि आती है।
पुष्प नक्षत्र के दिन मंदिर में दीपक अवश्य जलाएं, इससे कार्य में आने वाली अड़चने समाप्त हो जाती है। एक और खास बात, गुरु पुष्य नक्षत्र वाले दिन किसी भी मंदिर में जाएं जहां पर विष्णु और लक्ष्मी भगवान का उनकी प्रतिमा एक साथ हो। विष्णु भगवान को आप पीले कलर के फूल चढ़ाएं और माता लक्ष्मी को लाल गुलाब अर्पित करें। कमल के फूल भी आप अर्पित कर सकते हैं और सुगंधित अगरबत्ती वहां पर चढ़ाएं, मिठाई चढ़ाएं। इससे माँ अपने भक्तों पर प्रसन्न होती है और शुभ स्वभाव आता है। इस दिन घर में साबूदाने की खीर जरूर बनाएं, या हो सके तो उसमें मिश्री अवश्य डालें और सभी लोगों को इसका प्रसाद दें और खुद भी ग्रहण करें। इस तरह से प्रत्येक गुरु पुष्य नक्षत्र को ये उपाय करें, घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अब गुरु पुष्य नक्षत्र वाले दिन आप पूजा में एक चांदी का सिक्का रखें, बाद में उसको अच्छे से पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में रख दें। इससे आपकी तिजोरी हमेशा नोटों से भरी रहेगी। यह गुरु पुष्य नक्षत्र के टोटकों में बहुत ही प्रभावशाली है। अब एक और उपाय है, गुरु पुष्य नक्षत्र में आप स्फटिक की माला से माँ लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाकर मंत्र का जाप करें, धन आनी बंद हो जाती है, कारोबार व्यापार में लाभ होने लग जाता है। इस प्रकार से आपको रोजगार भी प्राप्त होता है और अब जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति वृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी और नारायण जी को शहद का भोग लगाएं और उस पर चढ़ी हुई शहद से गाय को रोटी खिलाएं। गुरु पुष्य नक्षत्र वाले दिन आप पीले रंगों की चीजों का दान अवश्य करें। आपको याद रखना है कि इस दिन आपको पीले या आपको केले नहीं खाने हैं, आपको उनको दान करना है। जो दान करता है वो भी पीले केले वो नहीं खाएंगे। और आप पीले चीजों का दान करें, दाल का दान करें, कपड़ों का दान करें और माता लक्ष्मी की कृपा के लिए आप देसी घी का दान अवश्य करें। अपने सामर्थ्य अनुसार आप दान करें तो अच्छा होगा। इस तरह से आप ये सब उपाय करेंगे तो आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में होने लगी है, आप पर बनी रहेगी। तो ये जो गुरु पुष्य नक्षत्र का युग है, इसे अपने हाथ से जाने ना दें, इसका पूरा फायदा उठाएं। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। माता लक्ष्मी आप पर अपनी कृपा सदा बनाए रखें, इसी कामना के साथ वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।